हिंसा के मुख्य आरोपी हयाज जफर आजमी पर कार्यवाही का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रशासन ने हयात के घर पर चल रही सरकारी राशन की दुकान को निरस्त कर दिया है। आपूर्ति विभाग ने चमनगंज स्थित घर पर दुकान चलाई जा रही थी। चमनगंज स्थित हयात की बिल्डिंग में सरकारी राशन की दुकान भी संचालित की जा रही थी। डीएसओ प्रभारी जितेंद्र पाठक ने बताया कि राशन कार्ड धारकों ने शिकायत की थी कि राशन की दुकान से राशन कम दिया जाता है, जिसकी जाँच में यह खुलासा हुआ तो दुकान को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं डीएसओ के मुताबिक कोटे की दुकान सिलाई कढ़ाई उपभोक्ता समिति के नाम पर संचालित की जा रही थी। इसे हयात की बहन हसीना जफर हाशमी साल 2014 से संचालित कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।